नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर भारत और मैं आपके साथ प्रवीण जी। अभी हम खड़े हैं पटना के मोना सिनेमा के ठीक नीचे और आज यहाँ पे दीपिका पादुकोण का मूवी छपाक रिलीज हुआ। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक अलग माहौल है छपाक को लेकर, जो दीपिका पादुकोण JNU में गई थी उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद कई लोगों ने इस मूवी को विरोध कर रहे हैं, लोग दीपिका पादुकोण के विरोध कर रहे हैं। और एक ख़ास बात मैं आपको बता दूं, जो अभी पटना मोना सिनेमा के पास काफ़ी पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि जो मूवी को विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं दीपिका पादुकोण का विरोध कर रहे हैं और वो यहाँ पे कुछ अलग ना कर दे, कुछ तोड़ फोड़ ना कर दे, इसको लेकर यहाँ पे पुलिस बल की तैनाती की गई ताकि कुछ हो तो उसको कंट्रोल किया जाए। कुछ लड़के हैं उनसे भी जुड़ेंगे और जानेंगे कि उनका क्या कहना है छपाक को लेकर। और ख़ास करके ये बात, क्या दीपिका पादुकोण का मूवी आज दीपिका पादुकोण JNU में गई थी उसी को लेकर ख़ास बात यह है कि लोग मूवी का बायकॉट करना जा रहे हैं, लोग मूवी का बायकॉट कर रहे हैं क्योंकि जो दीपिका पादुकोण का मूवी है, लोग का कहना है कि जो ये संगठन के द्वारा गई और फिल्म का प्रमोशन करने गई उसको लेकर कहीं ना कहीं जो लोगों में गुस्सा है, नाराज़गी है, वो साफ देखने को मिल रहा था। और मेरे जो सूत्र हैं, सूत्रों के माने तो उन्होंने मैसेज किया था कि जो आज मूवी रिलीज होने वाली है उसके पहले यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, पर ऐसा अभी तक कोई माहौल नहीं है। मूवी का फर्स्ट शो 11:30 में था जो कि लग चुका है और यहाँ पे अभी 11:30 तक कोई विरोध करने नहीं पहुँचे और अभी समय 11:50 हो रहा है, ऐसा कुछ माहौल नहीं है कि लोग विरोध करने आ रहे हैं सामने या नहीं आ रहे हैं। फिलहाल ये दीपिका पादुकोण का जो छपाक मूवी है सिनेमा हॉलों में लग चुका है। रिजेंट में आपको बता दें कि जो 3:35 का टाइमिंग है उसमें लगने वाला है और ये मोना में लग चुका है, तो यहाँ पे अभी तक कोई ऐसा हलचल नहीं देखने को मिल रहा है। अगर न्यूज़ फॉर भारत को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।